मैंने अपने खून से आपके बाल रंगे। आशिता टूट पड़ी? मैं टूट पड़ी। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ज्यादा रो रही हूं मैं। मुंह पक जाएगा आपका। ए अनारकली बूंद क्यों बन गई? गजब का मटन। ये हमारा कॉकटेल शेकर है फिलहाल के लिए। यार व्यू क्या है? नींबू पानी तो है इसमें। मिंट तो नाम देने से तो यहां कुछ अलग पी रही हूं। खुशी भाभी अपने बाल रंगवा रही हैं। पूरा बेसिक मेकअप कोर्स आपको दे रहे हैं मैं ना, हेयर ड्रेसर का। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वर्षिताज देसी लाइफ अब्रॉड। एज प्रॉमिस्ड भाभी ने गोलगप्पे की तैयारी चालू कर दी है। ये यही यही था मेरा गिफ्ट। क्या पानी बना रहे? Yes. मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, सो जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। गोलगप्पे का पानी भी बन गया। मैं पानी पानी हो गई। पानी पानी अंकल जी। काफी दिनों बाद गोलगप्पे खा रहे हैं। नहीं आज तो पूरे गोलगप्पे का दिन है। गोलगप्पे का पानी बहुत ही यम्मी स्मेल आ रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। टूट पड़ी है आशिता? टूट पड़ी? मैं टूट पड़ी। वेरी गुड वेरी गुड। गोलगप्पा डज रिक्वायर वेटिंग। हाँ बट शेफ कहाँ है? वेयर इज द शेफ? शेफ बस 2 मिनट पूजा करके आ गए कि ठीक है भगवान गोलगप्पा टेस्टी बने। ओके वो तो बन गया, भगवान जी क्या करेंगे। भगवान जी होगा स्वाद चेंज कर। हां मेक सेंस। बट स्मेल देख के तो लग रहा है कि अच्छा ही होगा। आज हो गई राखी खत्म और तो अब हम सावन भी खत्म हो गया, तो अब हम मस्त वेज नॉन वेज जो खाना है खा सकते हैं। इसी खुशी में आज सबसे पहले बन रहा है मटन। हमारी खुशी भाभी के हाथों से मटन तैयार है। तेल में तड़का पड़ चुका है। चावल तो तैयार ही है, बस मटन पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या भाभी कैसा मटन बना रहे हैं? प्योर बिहारी मटन बन रहा है जो मस्त तीखा होगा और सिंपली ज़्यादा कुछ मसाले ऐसे ही मटन में नहीं पड़ते। ढेर सारे प्याज और ढेर सारे खड़े मसाले पड़ के प्याज डाल के भाभी रो रही है कि क्यों मैंने प्याज डाला। बहुत ज़्यादा रो रही हूँ मैं। मटन वगैरह पड़ चुका है। स्मेल तो ऑलरेडी गजब आ रहा है बट मटन कच्चा है इसलिए हम अभी नहीं खाएंगे, पकने का इंतज़ार करें। ये देखो दो लोग फोन पे लगे हुए हैं। ये क्या था? ये अनारकली बूंद क्यों बन गई? मटन क्या सुंदर से उबल रहा है। इसको थोड़ा सा चला देंगे बिकॉज मटन चिपकना नहीं चाहिए। स्मेल भी बहुत ही उमदा। गजब का मटन। भूख लगी। मटन मटन खा के तो बहुत अच्छी नींद आ गई। हम लोग सो के मस्त उठे। अब शाम की तैयारी है तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी सी मार्गरीटा कॉस्मोपॉलिटन वगैरह टाइप्स कुछ बनाने का, तो देखते हैं सुपरमार्केट के सुपरमार्केट पीना कलड़ा पीना है तुमको। ओके लेट्स सी कि कुछ मिलता है कि नहीं उस तरह का, मतलब जो जो भी बनाने के लिए इजीली मिल जाएगा वही हम ला के बना लेंगे। ना हमारे पास कॉकटेल शेकर्स है ना कुछ है, सब जुगाड़ में करना पड़ेगा। सुपरमार्केट जा रहे हैं लेने के लिए। ये रहा सुपरमार्केट और अभी हमें यहाँ से लेना है क्रैनबेरी जूस और कुछ एक मार्गरीटा के लिए। बट तब तक के लिए दारू का ठेका देखिए। क्या पीना है आपको? क्या बियर पीना पसंद करेंगे और डू यू प्रिफर सम वाइन? तो ये ले लिया हमने क्रैनबेरी जूस। हमें कुछ एक ट्रिपल सेक करके एक ऑरेंज लिकर आता है वो भी लेना था। नेदरलैंड्स में हार्ड लिकर जो है वो एक अलग सेक्शन में मिलता है, नॉट लाइक इन जर्मनी। तो और वो बंद हो चुका है तो अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू डू सम इंडियन जुगाड़। वॉडका भी मिल गया, क्रैनबेरी जूस भी मिल गया बट हमें ऑरेंज लिकर नहीं मिला।
सो मैं बस ऑरेंज हल्के से फ्लेवर के लिए ऑरेंज सिरप ले आया एंड आई थिंक वोडका कैन मैनेज फॉर द मिसिंग ट्रिपल सेक. ये हमारा कॉकटेल शेकर है फिलहाल के लिए. एंड अब इसमें हम डालेंगे वोडका, क्रैनबेरी जूस. टेक्निकली हमें तो ऑरेंज लिकर डालना चाहिए था बट सिंस वी डोंट हैव दैट हम थोड़ा सा ऑरेंज सिरप डाल देंगे फॉर फ्लेवर सेक. ये क्या हमारा कॉस्मोपॉलिटन बिना चखने के क्या दारू. राइट सो हम बना रहे हैं सम नाचोस. प्याज वाले नाचोस कभी नहीं खाए. इंडियन स्टाइल. ओह सही सही सही. नया ट्राई करने को मिलेगा आज. इसमें भाभी अभी कढ़ाई को मसाला डालने वाली थी बच गई. ब्लॉगिंग के चक्कर में बचे हैं आप. Yes, that's true. क्या इसमें चाट मसाला. Finally, आ गया इस पे गोरा चीज. एम्स्टरडम का फेमस नहीं नेदरलैंड्स का फेमस गोरा चीज. ये पड़ गया पेपर. दिए गया अवन के अंदर. जल्दी बन के तैयार. और ये ड्रिंक्स पे क्या गजब आ रहा है यार. व्यू क्या है. कॉस्मोपॉलिटन तो गजब है. मैंने पहली बार पिया है अपने हाथ का और अच्छा लगा मेरे को. कैसे आशीर्वाद तुम्हारा मोहितो. नींबू पानी की तरह. नींबू पानी तो है इसमें. मोहितो नाम देने से तो यहाँ कुछ अलग पी रही हूँ. इतना सही है. इसमें दारू का टेस्ट भी नहीं आ रहा है तो गटगट पी जाए मतलब. उसके बाद तो चढ़ेगी तो थोड़ा ही पीएंगे. ड्रिंक सेफली. ड्रिंक पीने के बाद तो शायद लगता है कि अगले बार से बस कॉस्मोपॉलिटन ही पियेंगे. बहुत ही ज्यादा गजब वाली ड्रिंक है ये. है कि नहीं. उधर दिखाई. है कि नहीं. पहले तो नींबू पानी पिया है बस. तो हो गई है सुबह. उठ गए हम थोड़ा लेट उठे हैं बट हाँ आज भाभी बना रही है बहुत ही स्पेशल खाना हमारे लिए. तो ये बन रहे हैं हरे मटर के छोले. इसको रात में ही फुला दिया था. भाभी की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है. बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी. बहुत सुना है हमने इसके बारे में. ये वाला रेसिपी भाभी का इतना फेमस है कि नेदरलैंड्स में हर कोई इसकी तारीफ करता है. जहाँ पे भी पार्टी होती है ये भाभी लेके जाती है. तो इतना सुना हमने बारे में कि हमें ऑप्शन था या तो चिकन बिरयानी या फिर ग्रीन मटर के छोले. एंड वी वेंट फॉर ग्रीन मटर के छोले क्योंकि चिकन बिरयानी तो खा लेंगे बाद में भी. ये पता नहीं फिर कब खाने का मौका मिलेगा. हेंस आज मेहनत से भाभी लगी हुई है. चीज़ें काट काट के डाल रही हैं. खुशबू तो बहुत ही गजब आ रही है. इससे पहले कि हम खाना खाएं भाभी ने कहा कि उन्हें अपना बाल कलर कराना है. तो हम जल्दी से सुपरमार्केट आ गए हैं हेयर कलर लेने के लिए. डिसाइड हो रहा है कि कौन सा कलर करना है और कहाँ करना है आगे पीछे. बट एक चीज़ हमने नोटिस की ये सारे कलर्स ये सारे 13-14 यूरो के हैं जबकि जर्मनी में डीएम में ये आई थिंक 6-7 यूरो में मिल जाता है. सो हाँ हेयर कलर आप जर्मनी से खरीदो बेटर. अगर आप बॉर्डर टाउन के आसपास कहीं रह रहे हैं तो जर्मनी में आपको चीपर मिल जाएगा. ऑलमोस्ट हाफ द रेट में मिल जाएगा. तो नेदरलैंड्स हमेशा से कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर रहा है. ज़्यादा खर्चा होता है यहाँ पे. या रूट फॉर जर्मनी. ये तो हम मार्केट से तो आ गए वापस और आते के साथ भाभी लगे अपने बालों को सुखाने में ताकि उसमें हम कलर लगा सकें. बाल रंगने की विधि स्टार्ट करते हैं. बाल रंगना मतलब. खुशी भाभी अपने बाल रंगवा रही हैं. ये भी आप काम करते हैं. मैं बाल हाईलाइट करवा रही हूं. मैं रंगवा नहीं रही हूं. मतलब भाई. नो इट्स नॉट मतलब. तो आप वो भी काम करते हैं वरुणी. ही इज मल्टी टैलेंटेड. जो मिले कर लेते हैं काम. वीडियो बना लेंगे. yes. नए बालों में भाभी लाल लाल रंग करवा रही हैं. हाइलाइट्स. सॉरी आपने ये पहले कभी किया है. हाँ आशिता के बाल तो हम ही रंग देते हैं. कौन ही करेगा.
फ्री में फ्री में ताकि ये बाकी इधर उधर बालों में ना लग जाए। पूरा बेसिक मेकअप कोर्स आपको दे रहे हैं ना हेयर ड्रेसर का। थोड़ा सा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा लास्ट में कि आपको फाइनली कैसा लगा। पूरी और छोले तैयार, भूख भी लग गई गजब, प्लेट खाली है। धूप में आपको वीडियो दिखाऊंगी। कैसा लग रहा है भाभी आपको, आपके बाल? बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। और मेरा हेयर ड्रेसर एकदम फाइनल फिक्स हो गया है, अब मैं आप ही से करवाऊंगी। कोई पार्लर नहीं जा रही हूँ मैं। नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। थैंक यू सो मच। तो बस अब हमारे एम्स्टरडम से निकलने का वक्त भी हो चला है। तो भाभी हमें बहुत ज़बरदस्ती करी थी रुकने के लिए, पर इस बार हम नहीं माने। और चेंज, पर हमें काफ़ी सारे काम है लौटने के बाद। तो अभी अपने नए नए सुंदर रंगे हुए बालों से, बालों के साथ ग्रेप्स के ग्रेप्स काट के हमें दे रही हैं कि हम लेकर जाएं और इन्जॉय करें। मैंने चखा था भाभी, बहुत ही मीठे थे ग्रेप्स। थैंक यू, मैंने अपने खून पसीने से इन्हें सींचा है। मैंने अपने खून से आपके बाल रंगे। ये लाल नहीं हुआ है, पूजा में चढ़ाते हैं। हाँ। तीज इस बार एक वीक सॉरी एक मंथ लेट आया है, तो तीज में हम वो फल की जगह पेड़ तो नहीं काट दिए? अलीना, सौरभ, लीजा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, ये सबके लिए है। जिसको भी आप देना चाहें, सबके लिए। सबके लिए है, जो लोगों को ग्रेप्स पसंद है उनके लिए तो और भी अच्छा है। मेरी तारीफ करिए, मेरे खून पसीने से सींचा हुआ है। और किसी का पता नहीं, पर कद्दू को बहुत पसंद आएंगे ग्रेप्स, अगर हम कद्दू से मिल पाए जल्द से जल्द। वसीब को भी खिलाइएगा। हाँ। बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है ना। बहुत पतले हो गए, फल फूल खाते आज। बाय 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 बाय, फिर मिलते हैं जल्दी। हाँ जल्दी मिलते हैं, बहुत बहुत मजा आया यहाँ पे। हम लोग को तुमसे अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा। आप अब आपका बारी है, आप आइए फिर जल्दी। शॉपिंग कराएंगे आखिर। हाँ ये सही पॉइंट है। और रील्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, रील्स रील्स और वीडियो बनते रहना चाहिए। चलो बाय बाय, मैसेज या कॉल कीजिएगा। बाय बाय। तरह से हमारा एम्स्टरडम का ट्रिप ख़त्म हो गया। बहुत अच्छे से हमने रक्षाबंधन भी मना ली, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने खाए भाभी के हाथ के। बहुत दुख लगा निकलते वक्त एज यूजुअल, बट हाँ फिर आएंगे जल्दी, कभी ना कभी मौका मिलेगा ही। तो तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारे कंटेंट, हमारी चीज़ें, हमारे शॉट पसंद आते हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, आप में आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। एंड तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।